नेट 2004 का क्वेश्चन है, क्या है? सेमाफोर्स आर यूज्ड टू, ठीक है, सेमाफोर आर यूज्ड टू, ठीक है, सेमाफोर्स क्या है अपने भैया? सेमाफोर हमने किस सिक्वेंस में पढ़ा है, हम ये देख लेते हैं। हमने सबसे भैया सेमाफोर को हमने अपनी पढ़ाई में कब इंट्रोड्यूस किया, जब हमने क्या करा, हमने सबसे पहले पीटरसन देखा भैया, पीटरसन के अंदर देखा था कि हमने सब कुछ दे दे रहा है, बस उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, वो सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए काम कर रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही थी, बिजी वेटिंग हो रहा था। उसके बाद फिर हमने बिजी वेटिंग के सोल्यूशन के लिए हमने क्या करा, फिर हमने पढ़ा था स्लीप एंड वेक वाला। फिर स्लीप एंड वेक वाले को पढ़ते पढ़ते हमारे को समझ आया कि भाई हमारी तो वेकअप कॉल ही लॉस्ट हो जा रही है। फिर हमने सेमाफोर्स का यूज किया जिसके अंदर हमने पढ़ा काउंटिंग सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, ठीक है। सो ये पूछ रहा है सेमाफोर आर यूज्ड टू, सेमाफोर आर यूज्ड टू, ठीक है, सेमाफोर, ये सेमाफोर आर यूज्ड टू किस लिए यूज होते हैं हमारे सेमाफोर? हमारे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हमारा मेन, हम पढ़ी कह रहे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, तो हमारे सेमाफोर का मेन मकसद क्या है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। और इस ऑप्शन के अंदर ये हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ये ऑप्शन पहले में कह रहा है कि सेमाफोर आर यूज टू सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक, ठीक है भैया। हमारा सेमाफोर का हमारा मकसद क्या होता है कि भाई हम सेमाफोर इंप्लीमेंट करते डेडलॉक ना है, तो ये ऑप्शन तो भैया करेक्ट है। अगले ऑप्शंस के हिसाब से सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंटेंशन, ये नहीं होगा। ये कह रहा है डू इनपुट आउटपुट, ये क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है फैसिलिटेट मेमोरी मैनेजमेंट इन सब, इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक। इसरो के 2015 के क्वेश्चन पे आते हैं कि सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है रेस कंडीशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड नन ऑफ द अबव। और फिर हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड से ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है हमारे, ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट दी हुई है कि सेमाफोर्स आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेमाफोर है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किसके लिए है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हमारी रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। आपने शुरू में पढ़ा कि रेस कंडीशन आ जा रही थी जब हम शेयर्ड वेरिएबल को यूज वो कर रहे थे, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने क्या करा कि भाई अहमदार दो प्रोसेस को ना हम सिंक्रोनाइज करेंगे, ठीक है। प्रोसेस सिंक्रोनाइज है, रेस कंडीशन को ठीक करने के लिए भाई हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कर ले आया। और सेमाफोर्स हमारे को क्या प्रोवाइड करता है? हमारे को भैया वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। अब बाइनरी सेमाफोर को देखो, एक बार में एक ही बंदा जा सकता है। अब आप ये कहोगे मेरे से कि भैया हमारा उसके अंदर जो हमारा क्या कहते हैं इसे काउंटिंग सेमाफोर है, उसके अंदर तो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे बंदे, लेकिन वो तो भाई आप अपना अगर उसकी वैल्यू काउंटिंग सेमाफोर की अगर वैल्यू आप 1 रख दोगे अपने सेमाफोर की, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा देगा। दैट मींस हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो प्रोवाइड होता है, हम डिसाइड करते हैं ना कि कितने बंदे उस क्रिटिक उसके अंदर जाने वाले हैं, क्या कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, अपनी मर्जी से हर कोई नहीं चला जाएगा, हमारी एक लिमिट डिसाइड करते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलता है सेमाफोर से, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड कह रहा है कि रेस कंडीशन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होता है। नहीं भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होता है हमारे पास। ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमारे पास कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी होता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होता है, ठीक है, लेकिन यार हमारे पास रेस कंडीशन भी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इसका कहने का मतलब क्या है, आप देखोगे ना अभी हमारे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव सही है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव पे अगर आप टिक कर दोगे तो इसका मतलब आप स्टेटमेंट नंबर 4 को भी मान रहे हो, दैट मींस नन ऑफ द अबव भी इंक्लूड हो जाएगा ना ऑल ऑफ द अबव के अंदर। दैट मींस ऑल ऑफ द अबव नहीं कह सकते, कह रहे हो रेस कंडीशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और साथ में कह रहे हो दे रहे हो आप नन ऑफ द अबव। तो इस वजह से ना हमारा ये ऑल ऑफ द अबव वाले ने ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का मतलब है कि हम नन ऑफ द अबव को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस ये कट्टा हो गए, ठीक है। और हमारा इसके अंदर अभी हमारी जो सबसे वो होगी ना, हमारे को जब चूज करना होगा तो इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारे लिए बेटर होगा, तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये तो भैया मेन चीज है, ओके। सो हम इसके अंदर किसको हम चूज करने वाले हैं, हम इसमें से ऑप्शन बी को चूज करेंगे जिसमें यह कहा गया है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि आंसर की के भी अंदर भी ना उन्होंने यही वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे करेक्ट हमारा रेस कंडीशन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये तीनों प्रोवाइड कराता है हमारा सेमाफोर, ठीक है।